ये जो अभी अभी आप लोगों ने क्लिप देखा, ये एक फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोप्लेनिंग। ये जो सारी गाड़ियाँ बाइक से हो रहे थे बिल्कुल सीधा अचानक जाते जाते, ये हाइड्रोप्लेनिंग की वजह से हो रहे थे। मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ हाइड्रोप्लेनिंग क्या है और इससे कैसे बचें, अगर इसको एंटर कर जाएँ तो आपके क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझना ये बहुत बेहद अहम है, हाइड्रोप्लेनिंग है क्या। किसी भी ऐसी सूरत में जब आपकी गाड़ी के टायर और रोड सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट के बीच में एक कंटेमिनेशन फिल्म आ जाए जिसकी वजह से फ्रिक्शन लॉस हो जाए, ये फिनोमेना हाइड्रोप्लेनिंग होता है। अभी एक फिगर, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर के अंदर आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोप्लेनिंग जो टायर के बीच में ये जो लेयर है बीच में, ये कैसे इम्पैक्ट करती है आपके लॉस ऑफ स्टीयरिंग कंट्रोल ऑन योर ऑन एनी टाइप ऑफ कार, चाहे वो करोला या सेडान या SUV, एनी कोई भी चीज़ है। सबसे पहले ये फिनोमेना ज़्यादा इंकाउंटर करने के चांसेस तब हैं अगर आप हाई स्पीड कर रहे हो, नॉन कंडीशन होने वाली हैं बारिशों की। ये फिनोमेना ज़्यादा होने के मुमकिन चांसेस हल्की से दरमियानी बारिश में, ये तेज़ बारिश में भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा चांसेस, क्योंकि ऑयल पे जनरली डर्ट और ग्राइम ओवर टाइम ऑयल स्पिल्स चीज़ों की लेयर होती है जो कि हल्की फुल्के बारिश से लूजन अप होकर ज़्यादा इस फिनोमेना को इंड्यूस करती है, हो ये लेकिन तेज़ बारिश में भी सकती है। तो इसलिए जब भी ऐसे ही आपको नॉन कंडीशन हो सड़कों के ऊपर, हमेशा एडवाइजेबल है कि उस जगह की हद रफ्तार से, जिस भी जगह पे आप चला रहे हैं उसकी हद रफ्तार से कम 20 से 25 किलोमीटर फी घंटा, या ज़्यादा बेहतर है कि ज़्यादा स्लो गाड़ी चलाई जाए पॉजिटिव कंट्रोल के लिए। हाइड्रोप्लेनिंग से बचना के लिए चंद एक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। एक सबसे अहम कि आप हमेशा इंश्योर करें आपके टायर प्रॉपरली इन्फ्लेटेड है। अगर आपका टायर प्रॉपरली इन्फ्लेटेड होगा तो आपके टायर का जो ट्रेड एरिया है, ये ट्रेड सेक्शन बेहतर कॉन्टैक्ट में आएगा। ट्रेड का जो ये जो डिज़ाइन पैटर्न होता है, इस डिज़ाइन पैटर्न के पीछे लॉजिक इज टू काउंटर हाइड्रोप्लेनिंग। दिस इज सपोज टू कट इन टू, इसका काम ये है कि अगर आप देखें तो ये कट इन करे हाइड्रोप्लेनिंग सर्फेस को और पॉजिटिव इम्पैक्ट इंश्योर कराए जो टायर एंड द रोड। और एक थोड़ा स्पीड रखें, टायर प्रेशर बेहतर रखें, आप हाइड्रोप्लेनिंग इनकाउंटर ना करें, इसके बहुत बेहतर चांसेस हो जाएंगे। बात करते हैं अगर आप हाइड्रोप्लेनिंग इनकाउंटर कर जाते हैं, अगर आप इस सिचुएशन में एंटर कर जाते हैं, जैसा कि अभी हमने थोड़ी सी देर पहले क्लिप देखा, अगर आप इस फिनोमेना को इनकाउंटर कर गए हैं, सबसे पहले अपने आप को अपने आसान पर काबू रखने के लिए अपने आप से बात करें। जब भी कभी आपको पता हो आप बारिश के टाइम गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं, तो एक बार अपने आप को रिमाइंड कराएं कि ऐसा मुमकिन है कि आप हाइड्रोप्लेनिंग इनकाउंटर कर जाएं। उसमें आपको सबसे पहले जो आपकी गट इंस्टिंक्ट है, शायद मेरी भी यही हो, लेकिन जो हमारी गट इंस्टिंक्ट है टू अप्लाई ब्रेक्स, के कोई भी मामला ऐसा गाड़ी का ख़राब हो और हम ब्रेक्स अप्लाई करने को जाते हैं, डू नॉट अप्लाई योर ब्रेक्स, इट्स जस्ट गोइंग टू मेक थिंग्स वर्स। ज़्यादा बुरा कंडीशन में आप एंटर कर जाएंगे हाइड्रोप्लेनिंग में। ब्रेक्स अप्लाई ना करें, ना कोई इंस्टेंट मोमेंटम चेंज लाएं, यानी कि गाड़ी को उस, अगर आप हाइड्रोप्लेनिंग इनकाउंटर कर जाएं तो एक्सेलरेशन चेंज में ना गाड़ी को बहुत तेज़ी से डीसेलरेट करवाएं, ना एक्सेलरेट करें, एक्सेलरेशन मेंटेन करें एंड स्टीयर इनटू द डायरेक्शन ऑफ हाइड्रोप्लेनिंग। जहाँ जिस डायरेक्शन में हाइड्रोप्लेनिंग अब आपकी हो गई है, उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करें स्टीयर करना। दीज आर योर बेस्ट चांसेस बाय द बुक एग्जिटिंग द हाइड्रोप्लेनिंग कंडीशन, ठीक है। जब आप हाइड्रोप्लेनिंग इंशाल्लाह एग्जिट कर जाएं, अल्लाह ना करे आप कभी इनकाउंटर करें, बट जब आप एग्जिट करें टू आफ्टर स्टीयरिंग इनटू द डायरेक्शन ऑफ हाइड्रोप्लेनिंग, अगेन डू नॉट एक्सेलरेट और डीसेलरेट एब्रप्टली। तब भी गाड़ी को बहुत जेंटली डीसेलरेट करवाना शुरू करें एंड आहिस्ता आहिस्ता ब्रिंग इट टू अ कंप्लीट स्टॉप, और अगर आप इफ़ यू नॉट शेकन अप कंटिन्यू ड्राइविंग, बट ब्रेक्स बिल्कुल नहीं। ड्राइव सेफ, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। Take care of yourself.